इलेक्ट्रिक बस में यात्रियों से किराया वसूलने के बाद भी टिकट न देना बस कंडक्टर को उस समय भारी पड़ गया जब मामले की जानकारी होने पर नगर आयुक्त के निर्देश पर एआरएम द्वारा कंडक्टर के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिससे अन्य चालक और परिचालकों में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि कान्हा की नगरी में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मथुरा जिले में चल रही इलेक्ट्रिक बस में यात्रियों से रुपये तो ले लिए जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं दी जाती है। मथुरा वृंदावन रूट पर तो ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, यहाँ तक कि कई बार यात्रियों एवं चालक परिचालकों के बीच मारपीट भी हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को दोपहर को उस समय सामने आया जब जन्मभूमि से वृंदावन आ रही इलेक्ट्रिक बस में कंडक्टर ने यात्रियों से रुपए लेने के बावजूद टिकट नहीं दी। जब यात्रियों ने टिकट मांगा तो उनके साथ अभद्रता कर डाली। बस फिर क्या था, यात्रियों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और नगर आयुक्त अनन्य झा एवं एआरएम मदन मोहन शर्मा को भेज दिया। वहीं एआरएम ने नगर आयुक्त के निर्देश पर आरोपित कंडक्टर पुनीत गोला निवासी मोहली रोड स्थित चंदा नगर कॉलोनी मथुरा की सेवा समाप्त कर उसके खिलाफ यात्रियों से अभद्रता करने एवं राजस्व की हानि करने समेत कई आरोप लगाकर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आरोपित कंडक्टर एसएस एंटरप्राइजेज से अनुबंध पर इलेक्ट्रिक बस के परिचालन के रूप में कार्य कर रहा था। के खिलाफ तहरीर दी है, क्या मामला हुआ है? कंडक्टर हमारा डब्ल्यूटी कर रहा था, यात्रियों के साथ व्यवहार कर रहा था और उसकी वीडियो भी बनाकर भेजी गई हमारे पास, तो उसके खिलाफ तहरीर दी गई है। उसको उसके जो उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा, क्या आरोप लगाए गए, मारपीट के ही हैं कुछ और भी हैं? नहीं नहीं, अभद्र व्यवहार और राजस्व हानि और यात्रियों को टिकट न देना। राजस्व की हानि मतलब बिना टिकट के यात्रा कराना। तो ये किस रूट पर चल रहा था आपका कंडक्टर? मथुरा जन्मभूमि, मथुरा जन्मभूमि से, मथुरा जन्मभूमि से वृंदावन। तो क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? ये पुनीत गोला है, पुनीत गोला सनो श्याम श्याम सिंह। किसके आदेश पर मुकदमा की कार्रवाई की जा रही है? सर ये नगर आयुक्त साहब ने आदेश दिए हैं, हमने तो उसे सेवा से पृथक कर ही लिया,